अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम महफूज खान एंड यू आर वाचिंग महफूज टेक्निकल ट्यूब। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, देन यू विल रिसीव माय ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट, हाउ टू मेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज। आई विल टेल यू टुडेज क्लास हाउ टू मेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज एंड हाउ टू यूज देम। तो लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लास। How to make future tense? Today I'm going to tell you about future tense. अब मैं आप लोग उर्दू में बताता हूँ। ये वो जुमले हुए होते हैं जिसमें हम आने वाले वक्त के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं या कोई बात जो हो रही होती है वो जुमले में, फ्यूचर के जुमले में कहलाती है। How to make future tenses and what is the formula of this tense? Let's know future tense. Future tense is very important in English language. Whenever we talk about future, at this time we have to know about the future tenses, how to make them and where we have to use them. So today I will tell you about the future tense. Subscribe to my channel and don't forget to like my videos, and if you wanna ask something to me, so please comments me। इन जुमलों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये जुमले हम होने वाले किसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन जुमलों के आखिर में गा गी आ रहा होता है या गे आ रहा होता है, वो जुमले फ्यूचर के जुमले होते हैं। किसी काम की नियत करना या कोई काम करने को इरादा करना फ्यूचर कहलाता है, यानी कि आने वाले वक्त में आपने कोई काम करना है या कल कोई काम करना है या अभी थोड़ी देर बाद कोई काम करना है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैंने ये करना होगा, तो इस तरीके जो टेंस होते हैं वो फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। तो आज आप लोगों को मैं फ्यूचर टेंस की क्लास समझा रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है ये तमाम टेंसेस की बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी अहमियत होती है, ताकि आप लोगों की जो स्पीकिंग है वो स्ट्रांग हो सके, आप लोगों की जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग हो सके। तो फ्यूचर टेंस के जो तमाम चीज़ें हैं वो आज की क्लास के अंदर आप लोगों को दे रहा हूँ। अब ये देखें, फार्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट का जो है मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनेट का फार्मूला क्या है ये देख लें अच्छे तरीके से, उसको समझ लें, अपने माइंड में बिठा लें, अपनी बुक्स के अंदर जो इनको नोट कर लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है। आई विल गो टू स्कूल, उसके बाद यू विल कम टू माई होम टुमारो, इसकी मीनिंग है तुम कल मेरे घर आओगे। देखें इसके अंदर गे की जो है एंड के अंदर जो गे आ रहा है इसकी मीनिंग्स के अंदर, तो समझ लेंगे ये फ्यूचर टेंस है। और जिसके अंदर विल आ रहा होता है, विल जो है फ्यूचर टेंस को शो कर रहा होता है। आगे भी आपको फ्यूचर टेंस की कम्प्लीट क्लासेस दूंगा मैं। अभी आप फ्यूचर टेंस का जो सिंपल सेंटेंसेस है इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसके सेंटेंसेस बनाइए, अपनी स्पीकिंग में यूज़ कीजिए, अपनी राइटिंग में यूज़ कीजिए, ताकि आप लोगों का लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव हो। ये देखें, और मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंस बनाए हैं, ही विल मीट यू ओवर देयर, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा, जिसे कहते हैं कि यार वो तुम्हें वहाँ मिलेगा, तो ही विल मीट यू ओवर देयर। शी विल मेक दिस स्वीट डिश, यानी कि ये जो मीठी डिश है ये वो बनाएगी, यानी कोई भी बनाएगी, वो बनाएगी, तो ये भी फ्यूचर का टेंस है। अच्छा, उसके बाद दे विल प्ले वेल इफ दे विल प्रैक्टिस डेली, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छा खेलेंगे, या वो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा खेलेंगे, वो अच्छा खेलेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों मीनिंग सेम ही होंगी। तो आपने जो इस तरीके से जुमले बनाने हैं, ये इफ जो है विल के साथ, इसकी भी मैं आपको अलग से क्लास दूंगा। अभी इसको जो है आपने सिर्फ सिंपल फ्यूचर के हवाले से मैं इसको क्लास दे रहा हूँ, आपको मीनिंग्स के लिए वजह से मैंने ये सेंटेंस लिखा है। बाकी आप लोगों ने इसी तरीके से भी सिंपल के जो टेंसेस हैं वो बनाने फ्यूचर इंडेफिनिट के। अभी आप इफ के चक्कर में ना पड़े, इफ जो है वो आगे मैं आप लोगों को इसकी क्लासेस समझाऊंगा। अब ये देखें दूसरा टेंस है, वी विल सेलिब्रेट पार्टी ऑन संडे, हम इतवार को पार्टी का जश्न करेंगे या इतवार को हम पार्टी करेंगे।
अच्छा उसके बाद एक और डांस है हायर एसी विल कूल वेल इन हॉट डेज, या गर्मियों में समर में हायर का जो एसी है वो गर्मियों में हायर का एसी अच्छा काम करता है या करेगा, करता है नहीं करेगा, करता है तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझनी है आपको, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास कंटिन्यू, पास इंडेफिनेट क्या है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोज़ और मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें,